सब्सक्राइब कीजिए नीचे दिए गए रेड बटन से और बाद में बेल आइकन दबाएं हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कैरियर ज्ञान पर। दोस्तों, एक बार फिर हम आपके लिए NHM की एक और नई भर्ती की अपडेट लेकर आए हैं। जी हाँ दोस्तों, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ने एक बार फिर से नया नोटिस जारी कर दिया है, जिसके तहत वे यहाँ पर लैब टेक्नीशियन, सीनियर लैब टेक्नीशियन, सीनियर ट्रीटमेंट सुपरवाइजर और सीनियर लेबोरेटरी सुपरवाइजर के खाली पदों को भरने के लिए बम्पर भर्ती करने जा रहे हैं। 2980 खाली पद हैं जिनको भरने के लिए आपसे आवेदन पत्र मंगाए जा रहे हैं। 12वीं पास, डिग्री धारक, डिप्लोमा धारक सभी कैंडिडेट्स अपनी एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको कोई आवेदन शुल्क भी जमा नहीं कराना है। ऑल इंडिया के वैकेंसीज हैं। आप सभी एलिजिबल कैंडिडेट्स भारत के किसी भी राज्य से इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि इस भर्ती पर आवेदन करने के लिए क्या आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए, कैसे आप इस भर्ती के ऑफिशियल नोटिफिकेशन की PDF डाउनलोड कर सकते हो, कैसे अप्लाई कर सकते हो और कब से कब तक अप्लाई कर सकते हो। इन सब चीज़ों की पूरी जानकारी के लिए बने रहिए इस वीडियो में अंत तक हमारे साथ। इस वीडियो को अंत तक देखने पर ही आपके सभी सवाल और डाउट्स क्लियर होंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस भर्ती की पूरी जानकारी। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन यानी कि NHM के अंतर्गत ये भर्ती होने जा रही है। पोस्ट के नाम है लैब टेक्नीशियन, सीनियर लैब टेक्नीशियन, सीनियर ट्रीटमेंट सुपरवाइजर और सीनियर ट्यूबरकुलोसिस लेबोरेटरी सुपरवाइजर यानी कि STLS। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की अगर बात करें तो यहां पर 2980 वैकेंसीज हैं इन पोस्ट के लिए। दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले आज हम बात करने वाले हैं UPNM स्वास्थ्य कार्यकर्ता यानी कि हेल्थ वर्कर महिला भर्ती परीक्षा 2022 की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन की है। दोस्तों, UPNM के लिए भर्ती परीक्षा UPSSSC द्वारा आयोजित की जाएगी, जिसमें पदों की संख्या 9212 थी। NHM की इस मुख्य परीक्षा में सफलता पाने के लिए चक्षु बुक प्रकाशन ने प्रैक्टिस सेट निकाला है, जिसकी मदद से आप इस भर्ती परीक्षा को आसानी से क्रैक कर सकते हो और सेट कर सकते हो अपना कैरियर उत्तर प्रदेश में एक स्वास्थ्य कार्यकर्ता के रूप में। दोस्तों, चक्षु बुक्स भारत में सबसे तेजी से बढ़ने वाला शैक्षणिक प्रकाशक है। चक्षु बुक्स प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अध्ययन सामग्री प्रकाशित करती है। चक्षु बुक्स हर साल छात्रों के लिए अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत आदि जैसी विभिन्न भाषाओं में 200 से अधिक शीर्षक प्रकाशित करता है। चक्षु एक बहुत ही अनोखे लेआउट का पालन करता है, इसलिए चक्षु बुक्स 1,00,000 से ज़्यादा छात्रों की पसंद है। दोस्तों, चक्षु के प्रैक्टिस सेट्स भी आते हैं, जिसे पढ़कर आप अपनी तैयारी को और मजबूत कर सकते हो। दोस्तों, UPNM महिला भर्ती परीक्षा 2022 की इन बुक्स को डाउनलोड करने के लिए लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दिया गया है, जिस पर जाकर आप इन बुक्स को डाउनलोड कर सकते हो। तो करें अपनी UPNM महिला भर्ती परीक्षा 2022 की तैयारी को पक्का चक्षु बुक्स के साथ। दोस्तों, जैसा कि हम बात कर रहे थे NHM की इस भर्ती की, तो यहाँ पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की अगर बात की जाए तो कैंडिडेट का कम से कम 12वीं क्लास पास होना जरूरी है या फिर उनके पास कोई मेडिकल डिग्री या फिर डिप्लोमा होना जरूरी है इस भर्ती में पार्टिसिपेट करने के लिए। आयु सीमा आपकी 40 साल मैक्सिमम रखी गई है। सैलरी आपको 11,000 से 28,015 के बीच में प्रोवाइड करा दी जाएगी। फीस आपको इस भर्ती में पार्टिसिपेट करने के लिए जमा नहीं करानी है, बिल्कुल फ्री आप आवेदन कर सकते हो। सिलेक्शन यहां पर आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के आधार पर किया जाएगा। ऑनलाइन आप इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हो। ऑफिशियल वेबसाइट है upnrhm.gov.in। जॉब लोकेशन उत्तर प्रदेश है। ऑल इंडिया में आप कहीं से भी आवेदन कर सकते हो। डेट्स की अगर इस भर्ती की बात की जाए तो इस भर्ती पर ऑनलाइन आवेदन करने की लास्ट डेट 4 फरवरी 2022 है। इसके बाद भी दोस्तों, अगर आपको इस भर्ती के बारे में और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आपको हमारी वेबसाइट के इस पेज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लस फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, जहां पर जाकर आप डायरेक्टली इस भर्ती के ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट की PDF को ओपन करके पूरी डिटेल आप उसमें से रीड कर सकते हो। प्लस यहीं पर आपको रजिस्ट्रेशन टू अप्लाई ऑनलाइन लिंक और लॉगिन टू अप्लाई ऑनलाइन लिंक प्रोवाइड कराया गया है, जिनकी मदद से आप अपना रजिस्ट्रेशन करके लॉगिन करके एप्लीकेशन फॉर्म को भरकर लास्ट डेट से पहले पहले सबमिट कर सकते हो। दोस्तों, जैसे ही आप इन लिंक्स पर क्लिक करोगे तो सबसे पहले आपके सामने इस भर्ती का ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट खुल जाएगा। ये इस भर्ती का ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट है। यहाँ से आप पूरी डिटेल विस्तार पूर्वक 1x1 करके रीड कर सकते हो, जैसे कि क्या पोस्ट का नाम है, कितनी उसके लिए नंबर ऑफ वैकेंसीज है, कौन सी कैटेगरी के लिए कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज और कौन सी पोस्ट के लिए आपको कितनी सैलरी प्रोवाइड कराई जाएगी। पूरी डिटेल आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराई गई है, जो
कि आप यहां से रीड कर सकते हो। पूरी डिटेल यहां से रीड करने के बाद आप सिंपली इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो, जिसके लिए आपको पोर्टल भी यहीं पर प्रोवाइड कराया गया है। ये यहां पर इस भर्ती पर आवेदन करने के लिए नेशनल हेल्थ मिशन उत्तर प्रदेश का ऑनलाइन पोर्टल है। सबसे पहले यहां पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा कुछ रिक्वायर्ड डिटेल्स प्रोवाइड कराते हुए। जी हाँ दोस्तों, इन डिटेल्स को आपको एक्यूरेट वे में फिलअप करके रजिस्ट्रेशन कर लेना है। उसके बाद आपको यहीं पर लॉगिन कर लेना है। कैंडिडेट लॉगिन सेक्शन में जाने के बाद अपना यूजर ईमेल आईडी डालने के बाद और पासवर्ड डालने के बाद ये कैप्चा यहाँ पर फिलअप करना है और लॉगिन करके एप्लीकेशन फॉर्म को भरकर लास्ट डेट से पहले पहले सबमिट कर देना है। तो दोस्तों, इस प्रकार से आप इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हो। आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलना। साथ ही साथ दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम डेली बेसिस पर आपके लिए ऐसी ही बिग गवर्नमेंट जॉब्स के अपडेट अपने इस चैनल पर अपलोड करते हैं।